उस शाम को शुरू हुआ जब मेरा जामात में बाउंड तरीके से नाकामयाब हुआ। औरतें नाकामयाबी को कभी नहीं समझ सकती। मैंने इस जामे के फाड़ी में पुर्जों को भी जला दिया है। काश काश तुम जान सको मैं कितना नाखुश हूं। और तुम जिस बेमुरवती से मेरी चाहती हो उससे मुझे खौफ आता है। मुझे यूं लगता है जैसे ये झील कुछ हो चुकी या जमीन के बदन में उतर गई। खौफ आता है। मुझे यूं लगता है जैसे ये झील कुछ हो चुकी या जमीन के बदन में उतर गई। और तुम क्या कहती हो कि तुम बहुत सीधी साधी हो। मुझे नहीं समझ सकती। समझने की बात ही क्या है। मेरा ड्रामा नहीं पसंद किया गया। तुम मेरी तकलीफ की सलाहियतों को हकारत की नजर से देखती हो। तुम ये समझती हो कि मैं कोई बेमानी मजदूर दूसरों ही की तरह कोई शख्स हूं। मैंने कभी इस बारे में सोचा तो नहीं। अब मेरे मशहूर होने के बारे में तुम जरूर मुबालिगे का शिकार हो। इसमें कोई सनसनी नहीं। लेकिन जब आप अपने बारे में अखबारों में पढ़ते हैं तब? अगर वो मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और अगर बुराई करते हैं तो एक दो दिन मूड खराब रहता है। कि दुनिया कितनी दिल फरेब है। मैं आप पर रश करती हूँ। लोगों की किस्मत कितनी अजीब होती है। वो अपनी बेरुख और मामूली जिंदगी को मुश्किल से कसती है। वो सब एक जैसे सब नाखुश। और कुछ लोग आप लाखों में एक हैं। आपको रोशनी और जासूस से मामूल जिंदगी मिली है। मानवियत से लबरेज आप खुश हैं। मैं देखो तुम मसालत और शोहरत की बात कर रही हो या किसी किस्म की जासूस और रोशनी से मामूल जिंदगी। तुम अगर मेरे लिए माफ करना ये तमाम खूबसूरत अल्फाज नरम चुपचुपाती मीठी गोलियों की तरह जो कभी नहीं खाई। नौजवान और बहुत मेहरबान। लेकिन आपकी जिंदगी शानदार। इसमें से क्या खास बात है। माफ करना मेरे पास वक्त बहुत कम है मुझे लिखना है। तुमने मेरी दुखती रात को छेड़ दिया है। मेरा दिमाग में चूतिया रिंगने लगी है। थोड़ी सी झुंझलाट भी हो रही है लेकिन चलो इस बारे में बात करते हैं। मेरी शानदार और रोशनी से मामूर जिंदगी के बारे में कहाँ से शुरू करें। देखो इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खप कहा जाता है या जुनून। अब मैं दिन रात इसी जुनून में गिरफ्त रहता हूँ कि मुझे लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है। मैं मुश्किल से कोई एक कहानी खत्म करता हूँ फिर मुझे दूसरी की ख्वाहिश होती है फिर दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी फिर पाँचवीं छठी। ऐसे ही मैं बकर उठ के लिखता रहता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मंजिल पर ताज़ा दम घोड़े अपने मुसाफिर के मुंतजर होते हैं। क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें शानदार और रोशनी से मामूल कौन सी बात है। मैं अभी यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ ना लेकिन अंदर अंदर झुंझला रहा हूँ मैं क्योंकि मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं भुला। एक ना तमाम कहानी मेरा इंतजार कर रही है।